जाना आप बेट बनना। अरे नहीं बनना, तो मजाक कर रही थी। तुम्हारे साले का खोपड़ी तोड़ रहे, खोपड़ी तोड़। नाइस बे। खत्म। हेलो, तो कैसे हो आप लोग। मैं आ चुका हूँ एक और न्यू वीडियो लेकर वापस। एंड गाइस, आज की इस वाली वीडियो में हम लोगों ने जंप कर दी थी मिलिट्री बेस, एंड मिलिट्री बेस के अंदर बंदे भाई साहब भरे हुए थे। एंड गाइस, जैसे नीचे जंप की, बंदों की भसड़ चारों भाई मच गई थी। एंड गाइस, हाथ में लगी गन और फिर भरते हैं इन बंदों को। अब भाई, इस वाले गेम प्ले का सबसे पहला किल मेरे खाते में आ चुका था। एंड गाइस, पूरी वीडियो को वॉच करना कि बहुत ज़्यादा क्लच एंड बहुत अच्छे अच्छे रिफ्लेक्स एंड बहुत मज़ेदार ये वाली वीडियो होने वाली है, तो शुरू से एंड तक वॉच करना। अब फिलहाल दूसरी बिल्डिंग में बंदे घुसे हुए थे तो हम लोग सीधा उसमें चले गए। अब यार, इस वाली बिल्डिंग में ऑलरेडी पहले से ही फाइट चल रही थी, एंड उस फाइट में जितने भी किल मुझे मिले, मतलब ऐसे समझो थर्ड पार्टी की तरह, मतलब यहाँ पर फ़ायदा उठाया गया और अच्छे खासे किल, मतलब क्या ही बताऊं, मतलब यहाँ अच्छे खासे किल मिल सकते थे, बट किल ओनली दो रह गए। एंड गाइस, यहाँ पर मैंने अच्छी खासी लूट की, एंड लूट करने के बाद जैसे ही बाहर निकला तो एक महान कैंपर, मतलब उस बंदे ने ना सांप, मतलब एकदम चुप था। अब देखो क्या होगा। अब ये बंदा क्या था वो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, अगर कोई बंदा कर सकता है एक्सप्लेन तो भाई कमेंट में कर देना, एंड वीडियो को लाइक भी कर देना साथ में, एंड जो भी चैनल पर है चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब फिलहाल सामने से बंदे के किल निकालने की बारी थी। अब चार किल एंड थोड़ी एमओ की कमी थी, बट लूट ठीक ठाक हो चुकी थी, एंड मिलिट्री बेस में अभी लगभग लगभग बंदे बचे हुए थे, तो फिलहाल अभी मेरे चार किल थे। एंड भाई, अभी उन बंदों की तरफ घुसने की बारी आई जो सामने की तरफ बंदे अभी भी फाइट में लगे हुए थे, तो फिलहाल जैसे हम वहां पर पहुंचते हैं। अब यार, यहाँ पर एक सीन खराब हो गया था, जब यहाँ पर बंदे मारे तो चार नंबर ने एक दो बंदा, मतलब यहाँ पर मार दिया था, तो गलती से मेरे मुंह से ये निकल गया कि यार ये चार नंबर कितना बड़ा बेवकूफ है कि सारे किल चुरा लिए, मतलब इस तरह से मेरे मुंह से निकल गया था। तो भाई, ये बंदा अभी तो कुछ नहीं बोला, बट जब ये बंदा फिनिश हो गया ना, तब इसने गालियां देनी स्टार्ट कर दी। तो फिलहाल पहले उस बंदे को भरते हैं जो सामने अभी कैंप करके, मतलब घास में सांप बना हुआ था। हाँ, तो हम लोग बात कर रहे थे नंबर फोर की, जो हमारी टीम में रैंडम बंदा हुआ आया हुआ था, तो फिलहाल यहाँ पर तो हमारे साथ वो फाइट ले रहा था, एंड उसने ना मेरे दो तीन किल भी चुरा लिए थे। अब मैं उसको मतलब गलत नहीं बोल रहा था, बट मेरे मुंह से ना एकदम हड़बड़ाहट में ये निकल गई थी, यार ये कितना बेवकूफ़ बंदा है, इसने मेरे किल चुरा लिए। बट यार, उसका ये तरीका बहुत गलत था कि उसने टाइप कर करके गालियाँ देनी स्टार्ट कर दी जब वो मर गया। तो फिलहाल जैसे एक दो बोट मिला मेरे रास्ते में, तो यहाँ पर फ्री के किल बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, और यहाँ पर एक खास बात देखो, मैंने उसका हेलमेट अपने लिए बचा लिया। तो फिलहाल यहाँ पर ब्रिज पर इतनी तकड़ी फाइट होने वाली है ना गाइस, मतलब बवाल मचने वाला है, एंड बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा आप लोगों को। तो वीडियो को अभी लाइक कर दो, एंड वीडियो पूरी वॉच करना, अभी बोल रहा हूँ। एंड भाई, ये चार नंबर जो हमारा टीममेट था, उसकी गलत हरकतें भी देखना यार आप लोग। I need consumables.
Watch out. अब जो बंदा मैंने नोक डाला था उसको मैंने फिनिश किया एंड अपने खाते में एक किल को लिया एंड कुल मिलाकर अभी उस साइड एक बंदा और बचा हुआ था जिसका ध्यान राइजन ने बिल्कुल नहीं किया एंड वो सीधा घुस गया वहां पर। अब भाई मैंने इस बंदे को फिनिश किया एंड भाई फिनिश करने के बाद अपने बंदे को रिवाइव किया एकदम शांति के साथ एंड जो अभी यहाँ पर दो बंदे बचे हुए थे एंड उन बंदों को मैंने जैसे ही स्पॉट किया अब दो तो नहीं बट एक मेरे हत्थे चढ़ गया। अब ये भाई साहब एकदम सीधे भागे चले जा रहे थे एंड भाई बिल्कुल ना ध्यान करके गेम खेलोगे तो उसकी सजा मेरे सामने आओगी तो मैं दूंगा। तो फिलहाल इस बंदे को मैंने भरा नो किल मैंने अपने खाते में लगाए और कुल मिलाकर वो बंदा भी मेरे सामने पड़ गया जो इनका आखिरी बंदा था बट वो किल मेरे हाथ से निकलने वाला है। Mark the location. अब भाई जो बंदे को मैंने डैमेज दिया था उसको राइजन ने मार दिया एंड वो किल मेरा चूर चुका था एंड उसके बदले का एक बोट मुझे मिल गया। तो कुल मिलाकर ये तो हिसाब उलट पलट हो गया बट एक किल मेरा फालतू हो सकता था। तो चलो इन चीज़ों को साइड में रखते हैं। अब भाई हमारा जो चार नंबर बंदा था जो मर चुका था उसने बिना किसी मतलब हम लोगों को गालियाँ देनी स्टार्ट कर दी वो भी टाइपिंग कर कर एंड उन गालियों का रिप्लाई मतलब गुस्से में राइजन करने लगा था एंड 1v1 का चैलेंज कर रहा था तभी हमारे सामने एक गाड़ी आ जाती है। अब यार कुछ ही पलों में ये 1v3 का क्लच आप लोगों को कैसा लगा एंड भाई जो हमारा चार नंबर बंदा था उसकी बात गलत लगी आप लोगों को या नहीं वो कमेंट में आप जरूर बताना। मतलब ऐसा यार क्या बिहेव था यार उस बंदे का मतलब चलो उस चीज़ को बहुत छोड़ अलग छोड़ो यार ऐसी चीज़ें होती रहती है। तो फिलहाल ये क्लच आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक कर देना एंड जो भी चैनल पर है चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब भाई हम लोग यहाँ से निकलते हैं एंड पड़ जाते हैं अगली फाइट बोले तो लास्ट फाइट एंड यहाँ पर कितने किल मैं निकाल पाऊंगा वो आप लोग देखना एंड जैसे यहाँ पर पहुँचते हैं एक गाड़ी यहाँ पर आती है एंड उस गाड़ी को देखकर मैं ललचा जाता हूँ एंड फिर देखो आप लोग। अब फिलहाल जो बंदा अंदर गया था उसको तो मैंने काफी हद तक डैमेज कर दिया था बट जो बंदा बाहर दौड़ रहा था इधर उधर भाग रहा था उसको कम डैमेज। तो फिलहाल मैं इन लोगों के पास पहुंच जाता हूं एंड सबसे बड़ी गलती मैंने यहां पर एक की कि भाई मतलब मैं इन बंदों को ट्रोल करने की सोच रहा था उस ट्रोलिंग के चक्कर में मैंने कई सारे किल गवा दिए अपने। तो फिलहाल जैसे ही मैंने देखो एक निंजा टेक्निक अपनाई एंड इन बंदों को भरना चालू किया। अब भाई वो बंदा खूंट में एकदम सामने बैठा था एंड भाई उसको मैं इतनी आसानी से मार सकता था कि बहुत ज़्यादा आसानी से बट मैं थोड़ा सोच रहा था इनसे मजे लूँ एक एक करके नोक डालूँ बार बार फिनिश ना करूँ नोक डालूँ ये करूँ एंड भाई इतने में एक गाड़ी और आ जाती है एंड भाई यहाँ बंदों की भसड़ मच जाती है। तो जैसी वो गाड़ी आती है मैं एकदम कन्फ्यूज एंड मेरे कई सारे किल इधर उधर हो जाते हैं। अब यहाँ पर एक बंदा मैंने अपनी गन की पावर से एंड एक बंदा अपनी नेट की पावर से नोक कर दिया। तो फिलहाल यहाँ पर मुझे लग रहा था कि दो किल तो यहाँ पर मिल जाएंगे एंड वो मिले भी बट उससे पहले मैंने अपने बंदे को रिवाइव किया एंड एक और फ्री का किल। अब भाई उस बंदे को मारने के बाद मैंने इन बंदों पर सीधा घुसने की कोशिश की एंड घुसने का कुछ तो फ़ायदा मिला वैसे बट यहाँ पर कितने किल अभी मुझे मिल पाएंगे तो कुल मिलाकर अभी बंदे बचे थे 5 हमसे अलग तो यहाँ पर कितने किल मैं निकाल पाऊंगा।
अब यार इस बंदे को मारकर मेरे 16 किल हो चुके थे एंड एक आखिरी बंदा यहाँ पर बचा हुआ था एंड उसके चक्कर में मैंने अपने टीममेट से शर्त लगा ली कि कौन उस बंदे को मारेगा देखता हूँ मैं। तो फिलहाल वो शर्त में मैं हार गया एंड वो किल मेरे हाथ से निकल गया। तो कुल मिलाकर 17 किल हो जाते, बट रह गए 16 एंड उसी के साथ साथ विनर विनर चिकन डिनर। तो फिलहाल वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड जो भी चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड कमेंट में लिख के जरूर बताना कि वीडियो आप लोगों को कैसी मिली। एंड गाइज अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंटेंट में एंड अच्छे से रैंडम रिएक्शंस के साथ। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू।